अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहा जाए तो कुदरत का करिश्मा या दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, सबसे खतरनाक जीवों का बसेरा, जहां हर दिन जीने के लिए मौत से लड़ना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां आज भी डायनासोर के जमाने के जानवर जिंदा हो सकते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जितना घना है उतना रहस्यमय भी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी का हार्ट कहे जाने वाला अमेजोन जंगल में बहुत से रहस्य हैं। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कि अमेजोन जंगल अभी तक कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, लेकिन जब रिसर्च किया जाता है तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जो कि इस दुनिया की है ही नहीं। हो सकता है यहाँ एलियंस आते हों। आपको बता दें कि यह जंगल इतना विशाल है कि इसकी खुद की एक दुनिया बन चुकी है। तो आज हम आपको इस जंगल के कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। चलिए जानते हैं इसके रहस्य। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेजोन जंगल में पेड़ों की लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और इनमें से पेड़ों की प्रजातियाँ कुछ नॉर्मल होती हैं और कुछ बेहद जहरीली। इतने बड़े जंगल में जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ों का पाना एक सामान्य बात है, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधों का नाम भी नहीं रखा गया है, क्योंकि वह पहली बार ही देखा जाता है। लेकिन अमेजोन में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे द वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई मजाक नहीं बल्कि ये सच्चाई है। आपने कभी किसी फिल्म में देखा ही होगा कि कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं कि क्या पेड़ सिर्फ फिल्मों में ही चलते हैं। आपको बता दें कि ये पेड़ सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में भी चलते हैं, और ये पेड़ सिर्फ अमेजोन के जंगल में ही पाए जाते हैं। कई वैज्ञानिक ने खोज के आधार पर कहा है कि अमेजोन के कुछ पेड़ चलते हैं, लेकिन फिल्म की तरह नहीं बल्कि इनकी स्पीड बेहद धीमी होती है। यह पेड़ उस दिशा में चलते हैं जहां सूरज आगे बढ़ता है, यानी पूरब से पश्चिम। इस पेड़ का जड़ सूरज की ओर फैलने लगता है और इस पेड़ का पीछे का जड़ खत्म हो जाता है। इसी वजह से यह पेड़ अपने स्थान से आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि यह पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा देता है। यही वजह है कि इस पेड़ को द वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है, और ये पेड़ बेहद जहरीला भी होता है। यह पेड़ सिर्फ अमेजोन के जंगल में ही पाया जाता है। अमेजोन जंगल में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि अमेजोन में मांस खाने वाला पेड़ भी पाया जाता है, जिसे कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। इस पेड़ को मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। कई लोग इस पेड़ को आदमखोर पेड़ भी कहते हैं। दोस्तों, सुनने में ये बेहद अजीब है कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आपको बता दें कि अमेजोन जंगल में इसके कुछ ही प्रजाति हैं। अब आप सोचिए, जब अमेजोन जंगल में इतने खतरनाक पेड़ हो सकते हैं, तो इतने बड़े जंगल में और भी बहुत कुछ खतरनाक चीजें होंगी। द वाटर मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, पानी का दैत्य। अमेजोन के आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने नदी में एक अजीब से क्रीचर को देखा है, जो देखने में कुछ कुछ इंसान की तरह दिखता है, पर उसकी आंखों में पिपनियां नहीं होती और उसके गले में मछलियों की तरह गलफड़ा होता है, जिसे वो सांस लेता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमेजोन जंगल में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक को कभी ये मॉन्स्टर नहीं दिखा। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेजोन जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, क्योंकि अमेजोन में कई खतरनाक पौधे, पंछी, जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी तरह अमेजोन का पानी भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का पानी उबलता है। लोग इसको बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस नदी के पानी का तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये नदी अमेजोन नदी की तरह खतरनाक मानी जाती है। ये नदी अमेजोन जंगल के बीच से बहती है। अभी तक ये पानी क्यों और कैसे उबलता है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अमेजोन वर्षा वन 9 देशों में फैला हुआ है। धरती में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और लंबा सांप अमेजोन के जंगल में ही पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनाकोंडा की। यूँ तो एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फीट होती है, लेकिन 1906 में एक वैज्ञानिक अमेजोन की जंगलों में खोज करते समय उसने 70 फीट का सांप देखा था। ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। अमेजोन जंगल में इतना बड़ा और लंबा सांप का होना एक बेहद अजीब बात है। वैज्ञानिक अभी तक अमेजोन के जंगल में सांपों की नई नई प्रजाति को खोजने में लगे हुए हैं।
सांप तो छोड़ो, अमेज़न में पाए जाने वाले चींटियां भी बेहद खतरनाक होती है। इन चींटियों को बड़े जीप से खुद का बचाव करना होता है, इसीलिए ये लाल चींटियां इतनी खतरनाक होती है। अगर ये लाल चींटियां किसी इंसान को एक बार काट ले तो उसे गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इस चींटियों को बुलेट एंड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये अमेज़न की चींटियां किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को लगभग 6 से 7 दिन तक दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं बल्कि कई चींटियां इतनी जहरीली होती है कि इनके काटने पर लोगों की मौत भी हो जाती है। अमेज़न में एक ऐसा खौफनाक मकड़ी पाई जाती है जो हमारे घरों में पाए जाने वाली मकड़ियों से बेहद खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न की जंगलों में बेहद बड़ी मकड़ी पाई जाती है, यूं कहें तो 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहाँ शोध करने आए वैज्ञानिक का कहना है। दोस्तों, ये अमेज़न की मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि ये अपने बच्चे को भी खा जाती है, तो ये क्या हम इंसानों को छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अमेज़न की जंगलों में इतनी बड़ी बड़ी मकड़ी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब जीव रहते हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।